हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद हुसैन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो है बहुत ही यूनिक वीडियो बना रहा हूँ। मेरा जो है वो जो इरादा है वो ये है कि मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करूँ यूट्यूब चैनल पे अपने, जहाँ पे आपको जो है वो चारा आपको किस तरह से लेना है और आपके नियर बाय चारा जो है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो नियरली जो है मैं अभी अपने घर के ही जो है वो पास से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं एफ बी एरिया में रहता हूँ और यहाँ पे एफ बी एरिया में जो मार्केट है वो मूसा कॉलोनी है, और यहाँ पे मूसा कॉलोनी में आपको जो है वो ताज़ी मछली भी मिलती है और यहाँ से जो है वो आपको चारा भी मिलता है। और प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको जो है फ़िशिंग लाइन्स वगैरह और वेट वगैरह हुक्स वगैरह भी मिल जाते हैं। नहरा है भाई और मुश्का है। सेल लगा दिया भाई। तो ये मूसा कॉलोनी की मार्केट है। आज जो है वो संडे का दिन है और काफ़ी रश भी है यहाँ पे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो है वो आज जो है वो हमें चारा मिल जाए। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है वो ये दुकान है, इसमें जो है वो आपको जो है वो सूखी हुई मछलियाँ काफ़ी लोग पसंद करते हैं खाना, वो आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा देखें आपको लाइंस जो है यहाँ पे लटकी हुई दिख रही हैं। यहाँ पे मसाले भी बहुत मिलते हैं, हर किस्म का मसाला है यहाँ पे फ़िश के हवाले से। और जो है देखिए फ़िश फ्राई है, सालन है, ग्रिल है, फिंगर है, झींगा है, सारे मसाले अवेलेबल हैं। अच्छा सर, सूखी हुई मछली का टेस्ट वगैरह थोड़ा बताएं, किस तरह से इसको खाते हैं? बहुत डिफरेंट होता है ये ना, आम मछली से बहुत डिफरेंट होता है, बहुत पायदार होता है, लजीज होता है, आयरन वगैरह कमी दूर करता है, ताकत वगैरह देते हैं। ये परिंदे के लिए खासतौर पर ये झींगे वगैरह जो सूखी मछली ये सब काम आते हैं, तो लेके जाते हैं लोग तो ताकि गर्म रहे परिंदे, महंगे महंगे होते हैं ना, तो अंडे बच्चे देते हैं इन लोगों को, ये सब बहुत पैदा होते हैं ये सब झींगे मछली। बाकी इनके पास जो है यहाँ पे फिशिंग हुक्स और लाइंस भी अवेलेबल हैं, तो अगर आपको जो है वो इमरजेंसी में अगर आपके पास लाइंस वगैरह या हुक्स ख़त्म हो गए तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप अपनी दुकान की टाइमिंग वगैरह भी बताएँ। सुबह नौ बजे से लेकर तकरीबन रात 9 बजे तक होते हैं, लॉकडाउन के अलावा। इसके अलावा मेरे पास मछली का मसाला भी होता है बेहतरीन किस्म का, तो वो 1200 रुपये किलो बेचता हूँ मैं, और अच्छे नस्ल का बेचता हूँ, गारंटी देके देता हूँ कि शान से अच्छा ना हो दोबारा नहीं लेना। बाकी एक दुकान पीछे थी और इसके अलावा एक दुकान यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो है वो आप मुझे यहाँ पर भी फ़िशिंग लाइन्स वगैरह दिख रही हैं लटकी हुई, और वो सूखी हुई मछली और मसाला जात वगैरह। तो यहाँ पे जो है इस तरह से आप जो है वो आएँ और यहाँ पे विज़िट करें। इसके अलावा जो है ये पूरी मार्केट है, यहाँ पे जो है वो आपको मछली जो है वो बिल्कुल ताज़ी जो है वो यहाँ पे आप मुझे सुरमई दिख रही है। इसके अलावा झींगा वगैरह यहाँ पे जो है वो दिख रहा है, बड़े साइज़ का झींगा है। बाकी कुंद है, खग्गा वगैरह है, इसके अलावा जो है सारम है, मुश्का है, धोतर है, और अंदर जो है वो सुरमई भी रखी हुई है। भाई सुरमई भी देखते हैं। और यहाँ पे जो है वो ज़िंदा मछलियाँ भी आपको मिलती हैं, कुछ लोग जो है वो ज़िंदा मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। तो ये जो है वो ज़िंदा रखते हैं, मीठे पानी की मछली है, लेडी फिश। तो भाई मेरी फेवरेट सुरमई, सुरमई भी यहाँ पर है, सुरमई का रेट लेते हैं। सर सुरमई की क्या रेट चल रही है? सुरमई का रेट अभी चल रही है 900 रुपये किलो भाई। 900 रुपये जी, और ताज़ा होगा भाई? ताज़ा होगा जी, सही है। सिर्फ रेट का फर्क होता है, कहने का होता है बासी होगी तो उसमें कम रेट होगा, ताज़ा होगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल ताज़े का रेट होगा भाई। सही है, सही ताज़े का रेट लेकर आते हैं इंशाल्लाह, शिकायत का मौका नहीं देंगे। ताज़ा माल लेकर आते हैं, ताज़ा माल के रेट माल देते हैं मेरे भाई, बासी माल नहीं देते हमारे पास, समझ गया? माल की गारंटी होती है। हमारी गाड़ी आने वाली है 11:30, 12:30। ये रामस है, ये ताज़ा मछली की पहचान है भाई, आप खून देख सकते हैं बिल्कुल अभी ताज़ा यहाँ पर आई है मछली। तो आप जो है वो यहाँ पर आएँ और ताज़ा मछली जो है वो ख़रीदें और इन्जॉय करें, संडे का दिन है। अब और पापलेट वगैरह भी है यहाँ पे, छोटी पापलेट भी है, बड़ी पापलेट भी है। यस
संग्रह है ना, यही संग्रह। काला पापलेट है, ईरानी पापलेट है, इसके अलावा जो है वो बबल लिप है, छप्पड़ मोई। बहुत रश है भाई आज मार्केट में। मीठे पानी का ही मछली है यहाँ पे, बाम सोल। मीठे पानी का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी शिकार किया नहीं है मीठे पानी में, लेकिन जो है वो इतना आइडिया है कि ये मछली जो है वो मीठे पानी की है। सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहे हैं आज, और जो है बहुत बहुत ज़्यादा रश है आज मार्केट में। तो अब जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो चारा यहाँ पे कहाँ मिलता है वहाँ पे ले चलता हूँ। सबसे एंड में जो है वो आपको जो है वो चारे की दो दुकानें यहाँ पे मिलेंगी, तो हम उनके पास चलते हैं। और उनके पास भी बहुत रश है भाई आज जो है वो, लोग शिकार पे भी जो है वो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे झींगा भी मुझे दिख रहा है, और इसके अलावा जो है चारे में जो है वो थोड़ा सा दूर जो है वो वहाँ पे लूअर दिख रहा है मुझे। बाकी इसके अलावा जो है यहाँ पे झींगा जो है वो यहाँ पे डिफरेंट साइज़ का भी है, आप शिकार के लिए भी ले सकते हैं और खाने के लिए भी ले सकते हैं। डिफरेंट साइज़ के झींगे बाकी इसके अलावा जो है वो बोई यहाँ पे लूअर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और बोई मिल जाएगी। इसके अलावा ये मैया इन्होंने जो है वो थैली में करके रखी हुई है। तो यहाँ पे जो है वो चारे की आपको टेंशन नहीं लेनी है, और चारा के लिए अगर आपको जो है वो जल्द से जल्द चारा अरेंज करना है तो आप जो है वो मूसा कॉलोनी आएँ और मूसा कॉलोनी से चारा ख़रीदें। तो जो है यहाँ पे जो है वो आप सुबह 9 बजे तक आ जाएँ, आपको चारा मिल जाएगा। और यहाँ पे 8 बजे तक का जो है वो लॉकडाउन टाइम है, टाइमिंग है, तो 8 बजे तक यहाँ पे मार्केट आपको खुली हुई मिलती है। तो आप यहाँ से जो है वो झींगा लूअर बोई मैया यहाँ पे सब मिल जाएगा। मैया के लिए अगर आपको आना है तो मैया जो है वो थोड़ा जल्दी फास्ट आइटम है, जल्दी बिक जाता है, तो आप जो है वो मैया के लिए जल्दी आ जाए। एक दुकान ये है, इसके अलावा एक दुकान और आगे है, ये इनके पास लॉबस्टर भी यहाँ पे है। तो दूसरी दुकान जो है वो यहाँ पे जहाँ से आपको चारा मिल सकता है, और यहाँ पे भी हर किस्म का चारा आपको मिल जाएगा, मछली मिल जाएगी खाने के लिए। तो ये दुकान है, यहाँ पे आपको झींगा मिल जाएगा। सेठ आज सिर्फ झींगा ही अवेलेबल है, बोई मैया सारी चीज़ें? अच्छा, 15 आइटम। तो ये फैयाज़ भाई हैं हमारे मूसा कॉलोनी के सबसे पुराने जो है वो चारा बेच रहे हैं, और आप लोग को जो है वो चारा बेचते हैं, और आप जो है उस पर मछली का शिकार करते हैं। तो उनसे जो है वो थोड़ी सी बातचीत हो जाए, तो वो आपको जो है वो थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह और चारे के हवाले से बताएंगे कि इनके पास क्या क्या जो है वो अवेलेबल होता है। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक है जो टाइमिंग है हमारे, इस टाइम जो गवर्नमेंट ने हमारे को टाइम दिए हुए 8:30 बजे तक है। उसके बाद हमारे पास मैया बोई झींगा बांगड़ा लूअर सारी चीज़ें शिकार के सामान है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर मिल जाएगा हमारे पास में। और मछली में दंडिया मुश्का खगा धोतर सारी चीज़ें ही हमारे पास है। रेट वगैरह रेट अलग अलग है मछली का, 200, 250, 300। शिकार का मैया 600 रुपया है, मैया झींगा 400 से 300 रुपया तक है, 500, 600, 700, 800 ऐसे ही है, बड़ा जैसे चीज़ साइज ऐसे होता है। सूखी हुई मछली है, मसाले हैं यहाँ पे, फिश ग्रिल, फिश फ्राई और मछली ग्रिल, मछली का सालन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो आपको मिल सकती हैं। और मछली बनाने के लिए जो है वो यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं भाई, बॉडी बोलते हैं, बॉडी।
का बेड़ी बोला जाता है। कमानी का बना हुआ है और कोई बेड़ी वगैरह करके नाम है इसका। मछली बनाने का असल मछली मछली बनाने के लिए जो है बहुत ही यूजफुल रहता है। ये चिन लग रहा है मेरे को। ये चिन है। चिन है, चिन सूखा हुआ चिन भाई। लाइंस वगैरह भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। लाइंस वगैरह भी अवेलेबल हैं। हुक्स वगैरह भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, कांटे हैं, बाटिया वगैरह है। हमारे पास देखिए भाई शिकार का सामान भी भरपूर भरा हुआ है। कांटे भी होते हैं, डोर भी होते हैं, और उसके बाद डोर हमारे पास वो क्वालिटी का होता है, डाइवो, क्लाइमैक्स और चाइना डोर फिशरी ब्रांड। और नॉर्वे का कांटे भी होते हैं, चाइने कांटे भी होते हैं, बहुत सारे क्वालिटी के हैं। और बाकी सूखा हुआ आइटम है झींगा है, बहुत सारे नस्ल के मछलियाँ भी हैं और मसाले भी हैं। और मसाले देखिए बहुत स्पेशल मसाला है, ये एक बार जो खाया वापसी है। ये फ्राई मसाला भी होता है, सालन का भी होता है, ग्रिल का भी होता है, हमारा खुद का तैयार किया हुआ होता है, उसको कोई चीज़ का मिलावट नहीं होता, खालिस मसाला होता है। बाकी गरम मसाले के बाद देख लें आप खालिस है। और ये सूखी मछली का ही बताओ। बाकी सूखी मछली देख लें, साफ मछली है, सामने तो सफेद वाले दिख रहे हैं, और लकड़ी है, और चावला झींगा है, और साफ के और लकड़ी है, और मेहंदी सफेद कलर की है, कोने में जो लगी हुई है मछली ग्रिल, मछली ग्रिल है देखें आप। बाकी किस तरह देखें सोया सो सिरका है और झींगा देख लें पैकेट में, और चिल मछली है, सांपिया हुआ बगन साफ के बड़ा है देख लें, लंबा सा जो रखा हुआ है, और पल्ला मछली भी है।